नमस्ते मैं डॉक्टर सप्तर्षि घोष हूँ मैं यहाँ पे क्लिनिकल कॉन्सल्टेट ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ शिलीगुड़ी में तो मैं लास्ट कुछ सालों से शिलिगुड़ी नर्सिंग होम में मेरा चेम्बर है एंड अभी हम लोग एक नया हॉस्पिटल होप एंड हील कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ये प्योर कैंसर हॉस्पिटल लेके आए हैं जोटिया काली फुलबाड़ी में जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैंसर हॉस्पिटल है जिसमें हम लोग के पास रेडिएशन है पेट सीटी है इन पेशेंट सर्विस है फोर मॉड्यूलर ओटीज है और हर एक डिपार्टमेंट का डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद है तो सबसे पहले मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि आज फर्स्ट अगस्त है वर्ल्ड लंग कैंसर डे है आज तो मेन जो हम लोग का फोकस रहता है लंग कैंसर में वो है कि लाइक क्विट स्मोकिंग सो दैट इज़ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर ऑफ लंग कैंसर वी हैव टू ऑल्सो अवॉइड एनी सेकेंड हैंड स्मोक जैसे कोई अगर सिगरेट पी रहा है आपके सामने तो उनको भी बोलिए कि टेक इट आउटसाइड और मे बी ना पिए सबसे अच्छा होता है अगर ना पिए तो वी हैव टू क्विट स्मोकिंग और टोबैको रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हम लोग सेवन करते हैं जैसे कि खैनी गुटखा जो भी है तो ये सब भी हम लोग को छोड़ना पड़ेगा लंग कैंसर को कम करने के लिए इसको छोड़ के और भी कुछ कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे एसबेस्टस एक्सपोजर और ये सब निकल एक्सपोजर रेड रेड ऑन गैस एक्सपोजर ये सब के लिए भी लंग कैंसर होता है लंग कैंसर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है लंग कैंसर में सबसे बड़ा जो चीज़ है कि लाइक like, जितना भी कैंसर है लंग कैंसर इज द बिगेस्ट मोर्टलिटी कॉजिंग कैंसर मतलब जो हम लोग पेशेंट्स को लूज करते हैं जो हमारा पेशेंट्स कैंसर में हार जाते हैं उसमें सबसे अधिक प्रतिशत जो कैंसर पेशेंट्स है वो लंग कैंसर so, के पेशेंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट ट्वेंटी परसेंट ऑफ ऑल कैंसर पेशेंट्स डाइंग फ्रॉम कैंसर आर एक्चुअली फॉर विथ लंग कैंसर तो दिस इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जब डिटेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग के यहाँ पे नॉर्थ बंगाल में जैसे पेशेंट्स आते हैं कि सब पेशेंट बहुत लेट स्टेज में आ रहे हैं तो हम लोग को अगर पहले पकड़ना है तो अगर किसी को खांसी हो रहा है चौदह दिन या चौदह दिन से ज़्यादा तो जो कि नहीं कम हो रहा है तो डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास जाइए पल्मोनोलॉजिस्ट लोग हैं उनके पास जाइए या कैंसर के डॉक्टर के पास उसके बाद शायद आपको अगर कैंसर का जैसा लगा तो उन उसके बाद यहाँ पे आप भेजेंगे तो कुछ कुछ जस्ट मैं बोलूँगा कि क्या क्या चेंज हुआ है अभी रिसेंटली तो लंग कैंसर का सबसे इम्पॉर्टेंट तो डायग्नोसिस होता है कि अगर हम लोग अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस कर पाए तो रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिससे कि ना जिससे कि लंग कैंसर को टोटली totally क्योर किया जा सकता है एंड दे हैव एयर क्योर रेट ऑफ 90 मोर देन 90 परसेंट अगर स्टेज वन में रहा तो अगर वो थोड़ा एडवांस रहता है तो सबसे पहले लंग कैंसर में जो करना चाहिए दैट इज़ बायोप्सी एफेनएसी से लंग कैंसर का ट्रीटमेंट का ज़माना चला गया है बायोप्सी मतलब एक छोटा सा गन लेके वो कैंसर के वहाँ से कुछ सेल्स निकालना और कुछ टिश्यू निकालना मेनली उसके ऊपर एक टेस्ट होता है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री बोल के जिससे हम लोग को एग्जैक्टली पता चलता है कि किस टाइप का लंग कैंसर है और अभी के ज़माने में हम लोग वो मोलिकुलर टेस्टिंग पे भी जा रहे हैं जैसे कि जैसे कि आपको पता होगा ई जी एफ आर एल क्रॉस हाँ ये सब हम लोग मोलिकुलर टेस्ट भी कराते हैं अगर एडिनोकार्सिनोमा आया तो पी डी एल वन बोल के एक टेस्टिंग होता है जो कि इम्यूनोथेरेपी में बहुत ज़्यादा काम आता है ट्यूमर म्यूटेशनल बर्डन्स भी देखा जाता है तो एक एन करके एक टेस्ट होता है तो वो एन पैनल में हम लोग को पता चलता है कि लंग कैंसर में और कोई टारगेटेबल कोई म्यूटेशंस है कि नहीं जिसको हम लोग टारगेट कर सकते हैं स्पेसिफिकली तो उससे क्या होता है उससे हम लोग का लंग कैंसर का जो रिजल्ट है जो ट्रीटमेंट रिजल्ट है वो काफ़ी बेटर हो रहा है और आ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लाइक इम्यूनोथेरेपी अभी कुछ सालों तक कुछ सालों से इम्यूनोथेरेपी आया है तो व्हाट इज़ इम्यूनोथेरेपी इम्यूनोथेरेपी इज़ बेसिकली समथिंग विच मॉड्यूलेट्स योर इम्यून सिस्टम टू फाइट कैंसर मतलब हम लोग का नॉर्मली अगर कोई कुछ अगर खराब सेल्स आता है जो कि कैंसरस हो सकता है उसको हम लोग का जो नॉर्मल इम्यूनिटी है तो वो फाइट करता है वो टी लिम्फोसाइट बोला जाता है ट्यूमर इन्फिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट्स बोला जाता है तो वो नॉर्मल जो कैंसरस सेल होता है उसको फाइट करके शायद ख़त्म कर देता है लेकिन कुछ कुछ कैंसर सेल होता है कि उसको रेजिस्ट कर देता है या कोई एक मेकानिज्म से वो वाला मतलब वो उस पर काम नहीं कर पाता है तो तब कैंसर का सृष्टि होता है तो इम्यूनोथेरेपी बेसिकली ये जो ट्यूमर इन्फिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट्स है इसको एक्टिवेट करता है और वो जो रेजिस्टेंस जो दिखा रहा है कैंसर सेल्स वो रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में सहायता करता है इम्यूनोथेरेपी का जो साइड इफेक्ट्स है वो बहुत ही अलग टाइप का साइड इफेक्ट है केमोथेरेपी जैसा वो बाल झड़ना और Uh, मतलब बुखार आना ये सब जनरली नहीं रहता है इम्यूनोथेरेपी इस uh, मतलब काफ़ी वेल टॉलरेटेड होता है एंड uh, इसमें क्या होता है कि एक घंटा का शायद इन्फ्यूजन होता है मतलब इंजेक्शन सलाइन के थ्रू में ही इंजेक्शन दिया जाता है uh, लेकिन ये एक घंटे का जनरली इंजेक्शन रहता है दो हफ्ते बाद बाद या तीन हफ़्ते बाद बाद मैब तीन हफ़्ते बाद बाद है दो हफ़्ते बाद बाद मैब है तो ये सब इंजेक्शनस है इम्यूनोथेरेपी में और इसमें साइड इफ़ेक्ट्स जैसे होते हैं कि स्किन रैश हो सकता है थोड़ा सा फैटीग लग सकता है मतलब आपको थोड़ा सा महसूस होगा कि थोड़ा सा टायर्डनेस लगेगा और उसके अलावा जैसे कि कुछ एंडोक्रीनोपैथिस बोलते हैं जैसे कि वो थायरॉयड का हार्मोन का थोड़ा अप डाउन रह सकता है ब्लड शुगर लेवल का अप-डाउन हो सकता है एंड कॉर्टिजोल बोल के एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है उसका कुछ डाउन रह सकता है उसके अलावा डायरिया हो सकता है बट दीज आर ऑल लाइक वेरी मच मैनेजेबल इफ़ अगर हम लोग को इम्यूनोथेरेपी का मतलब हम हमको आता है तो इट्स वेरी मैनेजेबल तो हम लोग अभी इम्यूनोथेरेपी शिलगुड़ी में भी कर रहे हैं बहुत सारे पेशेंट्स का ऑलरेडी इम्यूनोथेरेपी हुआ है और ये कुछ बहुत सारे पेशेंट्स का इम्यूनोथेरेपी चल रहा है तो इम्यूनोथेरेपी हैज चेंज द लॉट लाइक द परस्पेक्टिव ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर तो हम लोग को और और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट में जो मेरा छूट गया था कि लाइक पेट सी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लंग कैंसर का ये देखने के लिए कि ये लंग कैंसर uh, वो लंग्स में भी लंग्स में ही सीमित है या बाहर भी कहीं पे फैल गया है सीटी स्कैन से अभी मतलब वो वाला चीज़ नहीं होता है अभी पेट सिटी आ गया है हम लोग के यहाँ पे नॉर्थ बंगाल में दो दो जगह पे पेट सिटी हो रहा है तो लाइक पेट सिटी इज़ ऑलवेज़ वेलकम के लाइक ये दिस शुड बी द स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन फॉर मतलब इन लंग कैंसर अगर फैल चुका है दैट इज़ डिफरेंट बट अगर मतलब सी स्कैन में दिख रहा है कि नहीं वो लोकलाइज डिजीज़ है और वो पेशेंट क्यूरेटिव ट्रीटमेंट में जा सकता है तो हम लोग को पेट सीटी करके देख लेना चाहिए कि ये लंग कैंसर वहीं पे सीमित है या कहीं पे फैल गया है कि नहीं एग्जैक्ट स्टेजिंग में बहुत ये सहायता करता है तो आज के लिए इतना ही तो धन्यवाद